हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, सम, इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट लोगों का डाटा दिया गया है, नेम है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, ड्यूरेशन है और फीस के बारे में दिया गया है। अब हम लोगों को सम इफ को समझना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ को अच्छा से समझना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसी में हम लोग ढेर सारा वीडियो लाने वाले हैं। इसी फंक्शन, तीनों फंक्शंस के बारे में डिटेल में कवर करने वाले हैं। हमारा पार्ट वन है, सीरीज आता जाएगा सम इफ से रिलेटेड, काउंट इफ से और एवरेज इफ से रिलेटेड। तो ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम लोग समझेंगे फंक्शंस कैसे काम करता है और किसी बेसिस पे इसका सम इफ होता क्या है, सम इफ को यूज़ क्यों करते हैं, काउंट इफ क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। नहीं समझ आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको डिटेल में और अच्छे तरीके से समझा सकें। अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट में यस करना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है डीसी के कितने स्टूडेंट हैं, टोटल उनका फीस कितना हो रहा है, ये सब निकालना है। तो कैसे करेंगे, देख सकते हो मैंने डीसीए पे क्लिक किया। यहाँ से जैसे मैंने डीसीए पे क्लिक किया तो डीसीए के कितने स्टूडेंट हैं ये आ गया 6 और उसका एवरेज आ गया, टोटल फीस कितना हो रहा है ये आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग सम इफ का यूज़ करके, अगर देख सकते हो यहाँ पे तीनों हमारा फंक्शन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सम इफ लगा है, यहाँ पे काउंट इफ और यहाँ पे एवरेज इफ लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग निकालना देखेंगे डिटेल में। देख सकते हो मैंने बेसिक का किया तो बेसिक का टोटल फीस कितना हो रहा है ये आ गया और कितने स्टूडेंट है वो आ गया और एवरेज अमाउंट क्या है वो आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से लिस्ट बनाना और कोर्स अप्लाई कर फॉर्मूला को अप्लाई करना, ये कैसे करेंगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सम इफ काउंट इफ का पूरा हमने सेंटेक्स बाहर निकाल के रखा है। सम इफ में देख सकते हो यहाँ पे सम इफ का फंक्शन यहाँ पे, अब सब इस तरीके से पहले हम लोग देख लेते हैं लिस्ट कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे मुझे जैसे लिस्ट बनाना है कोर्स का, उसके बाद आपको डाटा टेब में जाना है, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है, फिर वैल्यू के आगे लिस्ट पे क्लिक करना है और सोर्स में उस लिस्ट का देना है जो आपको लिस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, जैसे बेसिक डीसीए टेली, ताकि तीनों आ जाए। मेरा तीन ही कोर्स है क्योंकि यहाँ पे बेसिक है, डीसीए और टेली है, तो डीसीए बेसिक और ये टेली, इसके बाद तीन लिस्ट मेरा बन गया क्योंकि तीन ही है, बाकी रिपीट हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक, टेली और ये सबका लिस्ट बना हुआ है, ताकि जिस लिस्ट पर क्लिक करूँ मैं वहाँ से हमारा फीस, टोटल फीस उसका आ जाए। तो समझेंगे उसी को। तो इस वाले फार्मूला जो मैं लगाया हूँ उसको हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे सम इफ। सम इफ का मतलब होता है कि क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या करना है, सम करना। सम तो आप लोग जानते ही हो, तो उसी के अगर आपके पास क्राइटेरिया है कुछ, उसके बेसिस पे सम करना है तो सम इफ का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे चाहिए डी सी ए का टोटल फीस कितना हो रहा है इसको, तो सम इफ लिया मैं। उसके बाद रेंज, रेंज का मतलब होता है उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे आपको सम करना है। तो किसके बेसिस पे करना है, हम लोगों को सम करना है यहाँ पे उसका रेंज के बेसिस पे। रेंज का मतलब उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे सम करना है। तो हम लोगों को कोर्सेज का सम करना है, तो कोर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो पूरा कोर्स हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप डी सी ए के साथ इतना तक सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पूरा कोर्स को ले लेता हूँ। फिर उसके बाद कॉमा दे देना है आपका, कॉमा मैं दे दिया यहाँ से कॉमा। फिर उसके बाद क्राइटेरिया पूछता है किसका सम करना है इस रेंज में से, कोर्सेज में से कौन से रेंज का सम करना है, वही आपका क्राइटेरिया कहलाएगा। क्राइटेरिया का मतलब कोई एक सेल का एड्रेस देना है। तो मैंने यहाँ पे डी सी ए लिख रखा था, जैसे मैं फार्मूला अप्लाई किया, देख सकते हो इसका हट गया। तो इसका एड्रेस देखो कौन से कॉलम पे, आई नंबर कॉलम पे है, और रो नंबर कौन से पे है, ये रो नंबर आपका 14 के आसपास है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन 14 है। तो यहाँ पे मैं उसका एड्रेस दे दूंगा, सम इफ लिखा, फिर टेप बटन, फिर रेंज में मैं पूरे रेंज, कोर्सेज का रेंज सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, क्राइटेरिया में आई 14 लिख दूंगा मैं, और कॉलम नंबर आई है और 14 नंबर मेरा रो है। तो यहाँ से मैं आई 14 लिख दूंगा, यहाँ पे आई लिखना है आपको और 14। अगर आपका अलग है तो अलग एड्रेस देना है। देख सकते हो मेरा कोर्सेज वाला डी सी ए लिखा था, ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है सम रेंज। कॉमा देने के बाद यहाँ पे पूछेगा ये सम रेंज, कौन से रेंज का सम करना है। तो हम लोगों को सम रेंज में वो रेंज देना है जिसका सम करना है। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो वैल्यू का ही होगा, तो ये हमारा इसका सम करना है टोटल फीस का। आप चाहे तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, या आप लोग उसको भी ले सकते हो, आप साथ में क्या उसको जो उसका स्टार्टिंग जो हेडिंग है उसको भी ले सकते हो। जैसे फर्स्ट में मैंने हेडिंग भी ले रखा था, तो सेकेंड में भी मैं हेडिंग को ले लेता हूँ। यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे देख सकते हो डी सी ए का टोटल फीस आ गया यहाँ पे सम करके। अगर मैं मैनुअली करूँ इसी को तो कैसे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू डी सी ए पे क्लिक करो, फिर प्लस करो, फिर उसके बाद ये वाला डी सी ए पे क्लिक करो, फिर प्लस करो, इस पर क्लिक करो, फिर प्लस करो।
तो इस तरीके से मुझे मैनुअली प्लस करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा। अगर आपके पास कोई क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे सम करना है तो आपका सम ही काम आएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको याद रखना है। बेसिक पे क्लिक किया तो बेसिक का सम आया, टेली पे क्लिक किया तो टेली पे सम आया। ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, क्राइटेरिया के बेसिस पे हो रहा है। उस रेंज के हमने, रेंज का मतलब जिसको सम करना था वाले रेंज को सिलेक्ट किया था, क्राइटेरिया इसलिए इस लिस्ट पर दिया था, इसलिए लिस्ट पर चेंज करें तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ रहा है। आप काउंट इफ निकालना है, अगर टेली का कोर्स का कितने स्टूडेंट है तो काउंट इफ टैब बटन प्रेस किए, फिर उसके बाद रेंज में क्या देना है, जिसको काउंट करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉमा दिए, फिर उसके बाद क्राइटेरिया किसको काउंट करना है, मुझे टेली को काउंट करना है, मैंने यहाँ क्राइटेरिया दे रखा है तो इसको क्राइटेरिया ये मैं सिलेक्ट किया, फिर इंटर किया। देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे काउंट करके आ गया है। काउंट का मतलब, काउंट इफ मतलब कि टेली के कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, जिसका टोटल फीस इतना हो रहा है। अब मुझे निकालना है एवरेज इफ, अगर 3 स्टूडेंट हैं तो उसका एवरेज प्राइस कितना है, एवरेज कितना है, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज इफ, उसके बाद रेंज कौन से एवरेज का, मुझे कोर्स का एवरेज निकालना है तो कोर्स को मैं सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेरा कोर्स रहेगा, फिर कॉमा, एवरेज रेंज किसका करना है, तो मुझे ये फीस का करना है, तो मैं फीस को सिलेक्ट कर लिया। देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। अगर मैं यहाँ से दूसरा लिस्ट करता हूँ उसका मुझे देखना है, तो ऑटोमेटिक मैं इस लिस्ट पे चेंज करूँगा तो मेरा एवरेज प्राइस सभी आ जाएगा। देख सकते हो टेली का स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ से टेली का हमने निकाला तो टेली का टोटल 3 स्टूडेंट हैं जिनका टोटल फीस इतना हो रहा है और एवरेज इतना हो रहा है। तो समझ गए लगभग आप लोग, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज एकदम ज़्यादा इजी था। हम लोग डिटेल में और कवर करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, इस तरीके से निकालना है लिस्ट बना के, तो पूरा एडवांस तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। जैसे मैं डीसीए पे क्लिक किया तो टोटल फीस इतना है, कितने स्टूडेंट हैं, एवरेज उसका इतना अमाउंट है करके, तो देख सकते हो कितना काम के। जैसे यहाँ से मैं लिस्ट पे चेंज करूँ ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो क्राइटेरिया को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका सेंटेक्स दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इस प्रैक्टिस फाइल का, और बाकी आप लोगों का प्रैक्टिस, ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका पूरा लिंक देंगे। जैसे तो ये हमारा पहला पार्ट था समीप का, उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में और बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।